दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी खबर, लखनऊ छोड़ अब केएल राहुल खेलेंगे आरसीबी की तरफ से। जी हां, अब एक बार फिर से विराट कोहली के साथ नजर आएंगे केएल राहुल, जिसको लेकर उनके ससुर सुनील शेट्टी और उनकी पत्नी आथिया शेट्टी ने बड़ी बात कह दी है। तो केएल राहुल के आरसीबी से खेलने पर क्या बोले हैं सुनील शेट्टी और आथिया शेट्टी, चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों पिछले साल जब लखनऊ सुपर जायंट्स बुरी तरीके से एक मुकाबला हारी थी, तब लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका ने केएल राहुल को जमकर लताड़ लगाई थी और वहीं से राहुल ने कसम खा ली थी कि वो इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स का किसी भी तरीके से हिस्सा नहीं रहेंगे। अब इस बार के आईपीएल में कई टीमों के खिलाड़ी इधर उधर जाने वाले हैं, जैसे में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव भी मुंबई इंडियंस को छोड़ सकते हैं, तो वहीं ऋषभ पंत का चेन्नई सुपर किंग्स में खेलने का भी लगभग कंफर्म हो गया है। हालांकि इन सब खिलाड़ियों का बस अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन केएल राहुल का पक्का हो चुका है कि राहुल इस बार आरसीबी के लिए खेलेंगे। जी हां, आपको बता दें लखनऊ सुपर जायंट्स के 16 करोड़ को ठुकराकर केएल राहुल आरसीबी में शामिल हो चुके हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इसको लेकर विराट कोहली भी काफी खुश हैं। वो चाहते थे कि केएल राहुल उनकी टीम आरसीबी में आए। अब केएल राहुल के आरसीबी में शामिल हो जाने के बाद उनकी पत्नी आथिया शेट्टी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, राहुल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए क्या नहीं किया, उन्होंने टीम को 2 बार सेमीफाइनल में पहुंचाया, पिछला साल भी काफी अच्छा रहा। अगर 1-2 मुकाबले को छोड़ दे तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने बेहतरीन खेला और राहुल ने बहुत अच्छी कप्तानी की, लेकिन सच कहूं तो लखनऊ में उनकी कोई इज्जत नहीं थी, वहां के मालिक ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। भले ही राहुल वो चीज भूल जाएं, पर मैंने वो कभी नहीं भूला था और मैंने ही बोला था राहुल को लखनऊ छोड़ने के लिए। अब वो आरसीबी में शामिल हो चुके हैं। आरसीबी वही टीम है जिन्होंने राहुल को बनाया और हम चाहते हैं कि राहुल आरसीबी के लिए खेलें। ये बहुत अच्छी बात है, एक बार फिर से वो विराट भाई के साथ खेलेंगे। हम काफी एक्साइटेड है राहुल को आरसीबी के लिए खेलते हुए देखना। दोस्तों आथिया शेट्टी के बाद बड़ा बयान दिया है केएल राहुल के ससुर सुनील शेट्टी ने। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखी है, जहां पर आपकी इज्जत ना हो वहां से आपको तुरंत चले जाना चाहिए, भले ही वो आपको चाहे कितना भी पैसे दे रहा हो। लखनऊ सुपर जायंट्स में मेरे राहुल की, मेरे बेटे की कोई इज्जत नहीं थी और मैंने मेरी बेटी ने राहुल को बोल दिया था कि वो इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा नहीं रहे, चाहे भले किसी भी टीम का हिस्सा हो या ना हो। पर राहुल जिस तरीके का खिलाड़ी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे कोई टीम ना ले। अब आईपीएल की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक वो आरसीबी के लिए खेलेगा, मैं इसके लिए बेहद खुश हूं। वो विराट के साथ नजर आएगा, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। दोस्तों केएल राहुल के आरसीबी के साथ जुड़ने से ही बेहद खुश नजर आई उनकी पत्नी आथिया शेट्टी और सुनील शेट्टी, साथ ही ये दोनों लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका पर काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, केएल राहुल का आरसीबी से जुड़ना ये आरसीबी के लिए अच्छा है या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।